वेलकम टू टू आईएटीएस फ्रेंड्स, हम अनुपात समानुपात के कुछ सवालों को कर रहे थे। आइए उन सवालों को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं को देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात जो रहता है वो 5:2 का है, सी और बी का जो अनुपात है वो कह सकते हैं 13:7, या बी और सी का अनुपात जो है 7:13 दे रखा है। कह रहा है कि ए का भाग कितना होगा और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 750 रुपए टोटल है और 5 और 2 7 और 13, तो 5 और 2 7 और 13 ये अनुपात दिया है ए और बी का, और यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है वो बी और सी का है, और उसने टोटल वैल्यू जो दे रखी है वो कहा है कि भाई 750 रुपए को आप बांटिए इन तीनों में। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ से ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो 2 है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसको या तो हम बराबर कर लें या हम दूसरे तरीके से भी करते आ रहे हैं जैसा कि। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे 2 और यहाँ 7 और यहाँ इतना। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका गुणा इसमें कराते हैं तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा। यहां से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी उसको हम इसके बराबर कर देंगे क्योंकि हमें तीनों भागों में बांटना है। तो आइए देखते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये 9 और 6 5 1, ये 4 और ये 1 5 और ये 2 7, तो इतने यूनिट का मान जो आएगा वो इतने के बराबर आएगा। यहां से इसको कट करेंगे तो एक यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमसे किसी का भी पूछता, उसने ए का पूछा होता, बी का पूछा होता, सी का पूछा होता, तो हम बस इनमें 10 का गुणा करा देते और सबके अलग अलग मान निकल के आ जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ए कितना होगा, तो ए को बताने के लिए हम कहेंगे कि भाई 10 का इंटू हम इसमें कर दें, तो ए की वैल्यू जो होगी वो इतने में इसका मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगी। तो हम कहें कि भाई इसका आंसर जो होगा वो इतने रुपए, यानी ए को जो पैसा मिलता है वो इतना मिलता है। ऐसे ही आप इसका निकालें बी का, ये तो हमारा आंसर हो गया फाइनली, और ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। अब इसके बाद हम जरा करके देखते हैं ये कि इसमें अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई इसमें आप 10 का गुणा करा दें तो ये 140 आ जाएगा। इसको अगर निकालना चाहो तो इसमें भी 10 का गुणा करा दो और ये भी आपका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे ऑप्शन में रखे हैं, मतलब आप जरा सा भी चुकिए और यहाँ पे आप अगर बी का देने लगोगे तो ऑप्शन आपका मैच करेगा, जबकि उसने पूछा ए का है, तो यहीं पे दिक्कतें हो जाती है कभी कभी जल्दी में कि हम क्या करते हैं यहाँ गुणा करा दिया यहाँ करा दिया, तो ये दोनों ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो हम जल्दी से टिक कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें देखना है अच्छे से कि हमें कौन सा पूछा गया है। आइए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात ये बोली गई है कि जो ए है वो बी से कुछ अधिक है और कहा गया है कि बी जो है वो सी से भी कुछ अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से और बी सी से अधिक है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम सी को मान लें, तो सी को हम कुछ भी मान के उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 530 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कह रहा है कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जरा, उसने कहा भाई तीन लोग थे ए बी और सी, उसने कहा कि ए जो है वो बी से 70 अधिक है, बी जो है वो सी से 80 अधिक है, तो हम कह दें कि ये अक्ष रहा होगा तो ये 80 अधिक हो गया। अब इससे ये 70 अधिक था तो हम कहेंगे इसमें 70 ऐड करें, तो हम सीधा 70 ऐड करते तो ये 150 आ जाएगा। तीनों की वैल्यू हमें पता हो गई। अब उसने ये कहा कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो इतना है, तो हम क्या करें, इन तीनों का योग इसके बराबर कर दें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो हम कहेंगे कि भाई इसको और इसको और इसको जोड़ने पे
त्रिअक्ष आता है। इसके बाद इसको और इसको जोड़ने पे हमें मिलेगा 230, और यहाँ पे इस वैल्यू को इस टोटल वैल्यू के बराबर में करेंगे तो यहां से जो हमें मिलेगा वो होगा 300। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 100। अब आप देखिए जरा, x की वैल्यू हमें मिल गई तो हम कहें भाई c का मान जो होगा वो 100 होगा, तो ये 180 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो मतलब हम कहें कि भाई अब हमें इनकी वैल्यू मिल चुकी है, ये अपना है 100, ये है 180, और ये वैल्यू जो निकल के आई वो 250 की। तो उसने हमसे ये कहा है कि भाई तीनों का अनुपात बताइए, तो तीनों का अनुपात देख लीजिए आप भी जरा, यहां से 0-0 कम कर दें सब में, तो कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा वो 25, 10 उसमें कम किया, 10 इसमें कम किया और 10 इसमें भी कम कर दिया। तो देखिए जरा आपका जो फाइनली आंसर निकल के आया वो 25, 18 और 10 आएगा। तो इसका यह अनुपात जो है वो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति कुछ रुपए अपनी पत्नी पुत्री और पुत्र को बांटता है। कह रहा है कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और जो उसका पुत्र है उसका 1/5 भाग जो है वो परस्पर बराबर है, मतलब तीनों इक्वल में है। तो उसने कहा कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5। इसके बाद कह रहा है कि पुत्री का भाग कितना होगा, तो 2, 4, 5। तो यहाँ पे 1/2 है किसका, डॉटर का। इसके बाद पत्नी का कितना है, यानी वाइफ का उसकी इतना है, और उसके बाद कह रहा है कि जो सन है उसका उसका वैल्यू इतना है। ये सारी वैल्यू जो है वो सारी की सारी बराबर है। तो हमने बता रखा है कि भाई जब भी कभी आपको किसी की वैल्यू बट्टे में मिलती है तो हम कह देते हैं कि भाई ये उसी का मान होगा। जैसे यहाँ पे डॉटर के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डॉटर जो होगी उसका अनुपात हम कहें, हम इन तीनों का अनुपात बोल सकते हैं कि डॉटर अनुपात वाइफ अनुपात 7, ये सन। तो यहां से 2, ये 5 और ये 5। तो यहां आप देख पा रहे हो कि सभी का अनुपात निकल चुका है और टोटल वैल्यू हमें जो दे रखी है वो इतनी। ये हमें इतनी वैल्यू दे रखी है। अब आप देख पा रहे हो कि हमें यहां से डॉटर को निकालना है तो हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह दें कि भाई ये तीनों का ऐड करने पे हमें इतने यूनिट मिलता है, 11 यूनिट मिला, और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 3, यानी 30,000 जो आएगा वो 1 यूनिट का मान होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना, कितना, तो हम ये कहेंगे भाई 2 यूनिट के बराबर है, यानी डॉटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो डॉटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इतने रुपए। तो आपका जो फाइनली आंसर आया वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन को एबीसी में इस अनुपात में बांटा गया है, 3, 5 और 7 के अनुपात में। कह रहा है कि सी का भाग जो होगा वो बी के भाग से 1600 रुपए अधिक है, तो बी का मान बताना है, मतलब बी कितने रुपए होंगे उसके पास। तो उसने कहा कि 3, 5 और 7। तो हम कह रहे हैं कि भाई ए बी और सी 3, 5 और 7 कितने का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि जो ए है वो जो सी है वो ए से 1600 रुपए अधिक है। तो यहां आप देखें जो सी है वो ए से 1600 रुपए अधिक है, इसका मतलब इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट के बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान ये आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो
कि अब हम किसी का भी मान बता सकते हैं क्योंकि हमें एक यूनिट का मान पता है। तो उसने ये कहा कि बी का भाग कितना होगा, तो बी में आप गुणा करा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 × 400, तो यहां से आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो ये होगा ये। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात दे रखा है उसने 26 और 3। इसके बाद कह रहा है कि इसकी मासिक आय जो है वो 14,500 रुपए है। तो कह रहा है कि इसकी मासिक बचत क्या होगी। तो देखिए आप एक बात को अच्छे से याद रखिए, अगर वो आपको खर्च और बचत का अनुपात दे रहा है तो ये अनुपात जो होगा वो मासिक भी होगा और वार्षिक भी होगा। मतलब ये कि अगर वार्षिक में इसी अनुपात को निकाले तब भी यही रहेगा और मासिक में निकाले तब भी यही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप मासिक आय किसी की दे रखी है, हमने कहा कि भाई किसी की मासिक आय इतनी है, तो वार्षिक आय क्या होगी, जिसमें आप 12 को गुणा करा दोगे, मतलब 12 महीने बराबर एक वर्ष, तो यहां से क्या आ जाएगा इतना। अब हमने कहा कि भाई आपको दूसरा व्यक्ति जो है उसकी मासिक आय जो दे रखी है वो इतनी दे रखी है, तब आप क्या कहोगे कि भाई इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तो यहां से 2400 रुपए आ गए। अब इसका अनुपात अगर आप निकालते हो तब भी 1 और 2 का ही निकलेगा, और यहाँ पे अनुपात 100 और 200 का निकालते हो तब भी 1 और 2 ही निकलेगा। इसका मतलब यही है कि आप चाहे एक वर्ष बाद अनुपात देखें, चाहे आप वही अनुपात मासिक में लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में उसने कहा है कि मासिक आय जो है उसकी टोटल एक माह की आय वो उसने दे रखी है 14,500 रुपए, और अनुपात जो दे रखा है वो 26 और 3 का दे रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि जो मासिक आय है, तो हम कहेंगे कि भाई मासिक आय हमारी यहाँ पे हमने लिख ली कि भाई मासिक आय इतने रुपए है। उसके बाद कह रहा है कि खर्च और जो बचत का अनुपात है वो 26 और 3 का है, मतलब ये जो है पैसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और बचा कम रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने खर्चा किया है और जो सेविंग की है उसको अगर ऐड कर दें तो टोटल आय निकल सकती। तो हम कहेंगे कि भाई इसका योग कितना आएगा, इतने यूनिट, और यहां से हम क्या कहें कि भाई ये इसके बराबर है। तो इसको जब आप कट करोगे तो 5 times कटेगा, यहां से जो 1 यूनिट का मान आएगा वो आ जाएगा इतना। अब उसने ये कहा है कि भाई इस समय उसकी बचत कितनी है, तो जरा आप देख लीजिए उसकी बचत कितनी है, यहां इसका गुणा इसमें करा देंगे हमारी बचत आ जाएगी। तो हमने कहा कि भाई ये आपकी बचत आ गई। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 1500 रुपए, और ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 3,068 रुपए लिखे हुए हैं। वैल्यू जो पहले उसने दी है बांटने के लिए ABC में, वो वैल्यू गलत है। अगर आप उस वैल्यू से करते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। वहां पे आपको करना क्या है कि वहां जो टोटल वैल्यू आपको लिखनी है वो टोटल वैल्यू ये है। अगर आप इस वैल्यू से करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। जिस किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है वहां के सोल्यूशन में जब आप जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ना कि वो ये वैल्यू दे, ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन यहां से गड़बड़ है कि ये वैल्यू जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो हम इससे लगाएंगे इसको, और भाई हम कहें कि क्वेश्चन में आप देखें क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी वैल्यू को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि प्रत्येक भाग से अगर हम 50 रुपए कम कर लें तो इनका अनुपात जो है वो 1, 3 और 2 के अनुपात में बन जाए। तब हमें क्या करना है कि पता करना है कि सी द्वारा कितना प्राप्त किया गया।
मतलब कितना धन प्राप्त किया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी आप क्या कीजिए, ये टोटल वैल्यू में से 50-50 रुपए तीनों का कम करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई यहां से हमें कितना टोटल कम करना पड़ेगा, यहां से हमें 150 रुपए कम करने पड़ेंगे। तो यहां ये 0, 2, 3 और 1, तो 1320 रुपए जो आया ये वैल्यू कम करने पे आई। और जब उनका अनुपात क्या बनना था, ए बी और सी का अनुपात 1, 3 और 2, ये अनुपात बन रहा था। तो उसने ये कहा कि भाई ये अनुपात तब बनता है जब हम 50-50 सब में कम कर लेते हैं। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू अब जो निकल के आएगा इसके योग के बराबर होगी। तो हम कहेंगे इनका योग और इसका योग तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। यहां से आप इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2, 2 और 0। तो 1 यूनिट का मान जो निकल के आया वो हमारा आ जाएगा इतना। अब हमें यहां से बताना है कि भाई सी को कितना मिला, तो सी हमारा जो होगा उसमें हम 2 का गुणा कराएंगे तो सी का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से जो सी निकल के आया वो आ जाएगा इतना। लेकिन क्या ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन में तो दे रखा है, कह रहा है कि 440, लेकिन कह रहा है कि सी द्वारा धन कितना प्राप्त किया गया। तो सी द्वारा धन अगर ये पूछ रहा होता कि ये जब अनुपात है तब की तो बात हुई नहीं, हमें तो ये वाले पैसे देने थे। तो 50-50 हमने जो कम किए हैं वो इसमें हमें ऐड करना होगा। तो जो फाइनली आपका आंसर निकलेगा उसमें हम क्या करें, ये अभी जो निकल के आया ये वैल्यू के हिसाब से है, अनुपात के हिसाब से, जब हमने 150 कम कर दिए, लेकिन हमें पैसा ये बांटना था तो इसमें 50 ऐड करना होगा लास्ट में। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो इतने रुपए। तो यहां से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 94 रुपीज को ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 रह जाए। तो यहां से हमें बताना है कि ए को कितना मिलेगा और ऑप्शन ये दे रखे हैं 4। तो हम ये देख रहे हैं कि उसने कहा कि ए के 5वें भाग, इसका मतलब ये हुआ कि ए का 1/5, और इसका आगे कह रहा है कि बी का जो है वो 8, मतलब 1/8 करना है, और इसका अनुपात जो निकले वो निकले 3 और 4 का। तो देखिए जरा, ए का 5वां भाग अनुपात बी का 8वां भाग, इन दोनों का अनुपात जो है वो इसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए अपान 5 टोटल अपान बी अपान 8 और यहां से 3/4। अब इसको इसमें और ये सबसे ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि जो ये आएगा 8a अपान 5b और ये यहां पे इतना, तो इसका गुणा इधर करा दे, इसका गुणा इधर करा दे, तो a अपान b का मान जो आएगा वो यहां से ये और यहां से ये। तो मतलब फाइनली जो आंसर, मतलब ये अपना अनुपात आ गया a b का, ये अनुपात आ गया a अनुपात b का, जो मान आया वो आया आपका 15 और 32। अब उसने ये कहा था कि भाई आपको टोटल अमाउंट जो है उसमें 94 को बांटना था। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो अपना निकल के आ रहा है इसको टोटल करें तो ये इतने के बराबर है, इतने यूनिट, और यहां से आप इसको करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक निकालना है तो 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो कहें भाई कि 15 गुणा 2, तो ये जो फाइनली आंसर आ गया इतने रुपए ए को मिलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में लिखा है 600 रुपए को हमें ए और बी और सी में बांटना है, और कह रहा है कि ए जो है उसका 2/5 40 अधिक है। मतलब ये है कि जो ए है उसका अगर हम 2/5 कर दें
और इसमें 40 ऐड कर दें तब हमारा ये जो होगा वो बी के बराबर होगा, और बी के कितने के बराबर होगा, तो कह रहा है कि बी का 2/7 और इसमें 20 अधिक करना है, तो बी का 2/7 +20। और इसके बाद कह रहा है कि जो सी है वो 9/17 और 10 अधिक है, तो 9/17 और यहाँ 10 अधिक करना है। अब इसके बाद इसने टोटल वैल्यू जो दी थी वो टोटल वैल्यू थी इतने की। अब यहां आप ये देखो कि ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि आप इसको इसको उठाना स्टार्ट करोगे, फिर इसको इसको करोगे, यहां से आपको क्या मिलेंगे, इक्वेशन मिल जाएंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे बहुत लंबा हो जाएगा मेथड वो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मान रहे हैं कि भाई ये जो टोटल वैल्यू है ये 100 के बराबर रही होगी, तो इसको हम 100 के बराबर मान के चल रहे हैं कि ये सारी वैल्यू जो है वो 100 के बराबर है। तो हम क्या करें कि पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए यहां से कहेंगे कि ये 100 के बराबर है, इसके बाद बी की वैल्यू निकालेंगे और इसको भी कहेंगे कि ये भी 100 के बराबर है, इसके बाद सी की वैल्यू निकालेंगे, इसको भी हम 100 के बराबर ही दिखाएंगे। यहां सब जगह से हम ए बी और सी के मान निकालेंगे, तो यहां से देखो इसको जब घटाओगे आप तो ये आ जाएगा इतना, यहां से इसको कट करोगे तो ये 30, यहां से ए का मान जो निकल के आएगा वो 150 आ जाएगा, तो ए का मान जो निकला हमारा 150 आ गया। इसके बाद बी का मान निकालते हैं, तो यहां से बी का मान जो आएगा वो, तो यहां से 40 और बी का मान जो निकल के आया वो 280 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा, तो यहां से इसको कट करोगे 10 आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 170। तो यहां से ये वैल्यू जो निकल के आए हैं इनका अगर सम कर दें तो ये टोटल वैल्यू तो हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा जो मान निकल के आया है इनको ऐड करने पे वो आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो हम यूनिट में इसको लेके चलेंगे। तो हम कहेंगे कि 0 सब जगह से ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे और वो ऐड करेंगे तो फिर से 0, 2 कैरी, और यहाँ 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट का मान जो आ रहा है हमारा वो यहां से 600 निकल के आया। तो हम ये कहें कि भाई जो एक यूनिट का मान 600 निकल के आया, अगर यहाँ पे 600 ना आता, जैसे हमें उसने टोटल वैल्यू 600 ही दी है, 600 ही निकल के आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमने 100 माना था वो इसके लिए परफेक्ट है। और अगर यहाँ पे 600 ना निकल के आता, यहाँ पे आ जाता आपका 300, यहाँ पे 300 निकल के आता, तो हम कहते दो यूनिट का मान होगा 600, जब एक यूनिट का मान 300 तो दो यूनिट का मान 600। तो हम क्या करते इन सब में 2 का गुणा कराते, इन सब में 2 का गुणा कराते तो सब वैल्यू बराबर आ जाती। तो इसका मतलब इस समय क्या है कि ए का मान इतना होगा, बी का मान इतना होगा, सी का मान इतना होगा, यही हमारे तीनों आंसर हो गए। उसके बाद उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई आप क्या कीजिए ए का भाग बताइए, तो ए जो है वो कितना है, तो आपका जो आंसर नंबर सही होगा वो होगा पहला, यानी ए ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। उसने कहा कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, हमने क्या किया कि इन तीनों वैल्यू को 100 के बराबर कर दिया, अगर हम 100 ना करते यहाँ 50 कर देते तो यहाँ पे एक यूनिट का मान जो आया है आपका 600 वो 300 आ रहा होता। तो हम कहते हैं कि दो यूनिट के बराबर करने पे 600 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप 2 का गुणा कराते, यहाँ पे कराते, यहाँ पे कराते, और तब ये वैल्यू आधी आधी भी होती, जितनी अभी लिखी उसकी आधी होती, तो ये वैल्यू आती तब इसको करते, तो तब जो आंसर आता वो यहाँ से निकल के आ जाता। देखिए ये आपका मेथड जो है वो थोड़ा छोटा है इसलिए इसको मिस्टरेज कर रहे हैं, नहीं तो अगर आप इसको इक्वेशन बना के करना चाहो तो ये भी भर जाएगा और एक बार और भी भर जाएगा, तो इतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 56,250 रुपए को ए बी और सी में आप इस तरह बांटिए कि ए को जो भाग मिलता है वो बी और सी का आधा मिलता है, और बाद में कह रहा है कि जो बी को मिलता है वो ए और सी का 1/4 मिलता है। तो यहां से देखिए उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि ए को जो पहले मिल रहा है वो इतना है, यानी इसका आधा, मतलब इसका आधा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बी को जो भाग मिल रहा है
वो ए और सी को ऐड करने पे 1/4, यानी ये 4 होगा और ये 1 रहा होगा। टोटल वैल्यू जो उसने दे रखी है, टोटल वैल्यू दी है उसने 56,250 रुपए। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, लास्ट में उसने पूछा है, कह रहा है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो उसने ये पूछा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ए और बी के बीच का। तो हम ये कहें कि भाई टोटल वैल्यू हमें निकालने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इनमें हम निकालेंगे कि ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात क्या होगा। तो हम कहेंगे कि यहां से अगर हम देखें तो ए का जो मान होगा वो क्या रहा होगा, 1/2। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि 2a का जो मान होगा वो इतने के बराबर। तो यहां इतना आ गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे कि ये जो है इसको इसके नीचे, और यहां से 1/4 ये इधर, तो 4b का मान जो आएगा वो आ जाएगा a+c के। तो हम क्या करेंगे कि यहां से दोनों जगह से c का मान निकालेंगे। तो यहां b आ जाएगा तो ये c का मान हो गया, और यहां पे a को इधर लेके आएंगे तो ये c का मान हो गया। ये दोनों मान बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि 2a-b 4b-a, ये दोनों बराबर है इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अब इसके बाद आप देख पा रहे हो a को इधर लाने पे 3a बनता है, इसको उधर ले जाने पे 5b बनता है। तो a/b जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी हमें पता चल गया कि a अनुपात b जो है वो 5:3 का है। अब इसके बाद हम क्या करें कि हमें दो अनुपात मिल चुके हैं। अब अगर हम c का मान निकाल लें तो एक तरीके से a का मान जो आया आपका 5 है, b का मान जो आया वो 3 है। तो हम कहीं पे भी इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो आप इसमें रख के देखिए जरा, a का मान 5 रखोगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे b का मान माइनस करोगे तो c का मान कितना आ गया, 7। तो c का मान जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहां से देखें कि a b और c का रेशियो जो होगा वो 5, 3 और 7 के रेशियो में रहा होगा। अब यहां आप ये देखिए, इसका टोटल करने पे हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटल है और यही इसमें पूरा बांटा गया है। तो हम यहां से कहेंगे कि भाई आप यहां देखिए, जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 और 7। तो इतने यूनिट का मान बराबर 56,250 के। यहां से इसको 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 11,000, यहां पे 2 और यहां पे 5 और 0। तो इसको हम 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, एक यूनिट का मान ये आ जाएगा 3 और 7 5 0, तो इतना आ जाएगा। अब एक यूनिट का हमें मान पता चल चुका है। तो हमसे उसने लास्ट में ये कहा था कि भाई आपको बताना है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो ए का भाग जो है वो बी के भाग से कितना अधिक है, यहां देखिए आप डिफरेंस कितना है, 2 का। तो हम कहें कि यहाँ पे 2 यूनिट की मान निकाल लें, मतलब हम सीधा ये कह दें कि भाई ए और बी का जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा इतने गुणा 2। तो ये फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से इसको हम करेंगे तो 0, 1, 5, 1 और ये 7। तो इतने रुपए क्या होगा आपका आंसर होगा, कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ये आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम 624 रुपए को ए और बी और सी को इस अनुपात में बांटते हैं, अनुपात दे रखा है उसने इतना 1/2, 1/3 और 1/4। कह रहा है कि यहां से आप बताइए सी का मान क्या होगा, मतलब सी को कितना रुपए मिलेगा। और टोटल वैल्यू जो दे रखी है उसने दे रखी है 624 रुपए। तो यहां से हम क्या करें कि हम कहेंगे भाई इसका एलसीएम हमने ले लिया 12, तो यहां 12, यहां पे भी और यहां पे भी, इसको आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे,
तो ये आ जाएगा यहां से 6, यहां 4 और यहां 3, यानी ए का अनुपात जो ए बी सी में आ गया वो ये आ गया। टोटल वैल्यू हमें वो दे रखी है, तो हम कहेंगे यहाँ से 13 यूनिट का मान जो होगा वो 624 के बराबर होगा। यहां से इसको 13 से कट करेंगे तो यहाँ 4 बार और उसके बाद ये बचेगा कितना 10, तो ये 8, तो यहां से इसको कट करने पे ये मिलेगा और इसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सी का मान बताना है, तो हम कहेंगे भाई कि सी का मान जो होगा वो ये होगा, तो यहां से आप इसको गुणा कराइए, तो ये 4, 2 और यहां से ये 12 और 2 ये, तो आपका जो फाइनली आंसर निकला वो ये आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 117 को ए बी सी में बांटा गया, कह रहा है कि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में सारे हैं, कह रहा है कि त्रुटि वर्ष वो 2, 3 और 4 में बढ़ गए, तो कह रहा है कि किसको लाभ होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि ए को लाभ हो रहा है, बी को लाभ हो रहा है या सी को लाभ हो रहा है जब ये त्रुटि वर्ष बांटे गए। तो देखिए जरा, हमें करना यह है कि 117 जो दे रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, हम अनुपात से ही पता करेंगे कि क्या ये हमारा सही है। तो यहां से देखिए आप, पहले अनुपात जो दिया उसने वो इतना है, कह रहा है 1/2, 1/3, 1/4, तो हमने पहले इसका निकाल चुके हैं, हम कहेंगे 12 से यहाँ पे गुणा, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ, तो हम कहेंगे 3, 4 और यहाँ पे आएगा 6 और ये 4 और ये 3, तो ए का अनुपात अब ये निकल चुका है। अब इसके बाद कह रहा था कि बटना ही चाहिए था इसमें 2:4:3 में, बट गया, तो इसके बाद यहाँ पे 3 है सॉरी और यहाँ 4 है, तो हम कहेंगे भाई अब ये किसको लाभ हो रहा है, तो देखिए जरा किसको लाभ हो रहा है, कह रहा है कि 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश इतने में बांट दिया गया, तो यहां पे इतने में बांटा गया है, तो वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें बांट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से इनका मान निकालेंगे, तो दोनों जगह से मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि यहां से भी इसको हम 117 के बराबर करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो यहां से इसको हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 13 यूनिट के बराबर, तो 13 यूनिट के बराबर हम इसको करें तो यहां से जो निकलेगा ये कितने टाइम्स कटेगा, यानी एक यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी 9 ये, और जो बी निकल के आएगा वो आएगा इतना और ये सी निकल के आएगा इतना, यानी ये था। अब इसके बाद उसने कहा कि 2, 3 और 4 के अनुपात में बट गया है, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब इतने अनुपात में बट गया है, तो अब हम क्या करें, इनका योग करें, तो यहां से 5 और ये 9, तो 9 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा इसके, तो यहां से आप कट करो तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आएगा 13। अब इसमें हम गुणा कराएंगे तो इसका मान निकालेंगे, तो भाई ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 39 और ये आ जाएगा 52, तो यहां पे आप देख रहे हो कि किसको लाभ हुआ है, सी को लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको 36 मिला था और यहाँ उसको 39 मिलने लगा, और यहाँ देखिए 27 मिलना था और उसको कितना मिल रहा है, तो बी और सी दोनों को लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका करेक्ट होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि ए बी और सी को जो आय का अनुपात उसने दे रखा है वो दे रखा है 7, 9 और 12 का, उसके बाद कह रहा है कि जो खर्च है उनका 8, 9 और 15 के अनुपात में, कह रहा है कि बचत इस समय ए की जो बचत है
वो उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। आगे कह रहा है कि इन तीनों की बचत का अनुपात बताइए। तो उसने कहा 7, 9, 12 और 8, 9, 15। 7, 9, 12 और 8, 9 और 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है आपको आय का अनुपात दिया गया है, और यहाँ पे जो है ये खर्च का अनुपात है। तो हम क्या करें कि भाई यहां से हम इसमें कह रहे हैं कि ए ये है, बी ये है और सी ये है। यहाँ पे ए ये है, बी और ये सी। हम कह रहे हैं कि यहां से ए की वैल्यू जो आई वो 7x, कमा बी की वैल्यू जो आई वो 9x, और इसकी वैल्यू जो ये यहां से हम वाई कर रहे हैं इसमें, तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो इतनी इतनी आ जाएगी। अब उसने ये कह रखा है कि इस समय जो ए की बचत है, तो बचत देखिए इसको और इसको लेस करने पे मिलेगी, यानी हम कहेंगे 7x-8y, और ये किसके बराबर है, वर्तमान में जो इसकी आय है टोटल उसका 1/4। तो यहां से हम कहें इसको इधर और इसको इधर ले जाने पे क्या होगा कि हम यहाँ कहेंगे 7x-7x/4 और इधर 8y, तो ये इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 28x-7x/4 और यहाँ से 8y, तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 32। यहाँ से आप x/y की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 32/21। अब आपको करना ये है कि बचत का अनुपात बताना है, तो हम कहें भाई बचत का अनुपात हमारा क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको इसको लेस करें तो a की बचत आ जाएगी, तो कहेंगे 7x-8y, और अनुपात अगर हम इसको इसको लेस करें तो यहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद अगर हम इसको और इसको लेस करते हैं तो यहां से वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब हम देख पा रहे हैं कि x का मान हमारे पास 32 है और y का मान 21 है, जब आप इसमें रखोगे तो यहां से आपका 56 मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ही ऑप्शन में उसने 56 दे रखा है, तो मतलब ए का मान जो हो रहा है वो 56 हो रहा है और किसी में भी 56 नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जब आप इसमें रखोगे वैल्यू तो यहाँ ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरह से हम टाइम बचाते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन